संचालक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण, मुंगेर में, मधुबनी में, गया में और बिहार के अन्य जिलों के अंदर लगातार हो रही बलात्कार की घटना के खिलाफ, दलितों, अकलियतों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आज संपूर्ण विपक्षी दलों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान है और आज संपूर्ण बिहार सहित मधेपुरा का चप्पा चप्पा जाम है। ये मानवता का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं है। आज बिहार शर्मसार हो गया है। बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले उसी पार्टी के नेता आज बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। मंजू वर्मा जो बिहार सरकार की मंत्री है, उसके पति सीधे तौर पर बलात्कारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा उस बालिका गृह में रोज जाते थे और ब्रजेश ठाकुर से उनका बहुत ही मधुर संबंध है, जो ये तमाम शख्स रैकेट चलाने का काम कर रहा है। यह बिहार शर्मसार हो गया है। हम इससे बिहार में बलात्कारियों की सरकार है, कानून का राज नहीं, सुशासन नहीं, यहाँ दुशासन की सरकार है, रोज चिरहरण होता है। इसलिए इस दुशासन को सत्ता से बाहर करना है। आज हम तमाम विपक्ष एकजुट हैं और जब तक इन बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद।